ये जो मुहर्रम की मजालिस है ना, ये एक रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर है कि बैक ऑफ योर माइंड, बैक ऑफ योर माइंड, तुम्हारे जहन में आना कि मैंने कुछ किया है। एक दिन गुजरा, जुमे की बात करो, सिर्फ जुमे के लिए, जुमे का दिन गुजरा, क्या हमने सदका दिया इमाम का? क्या हमने अपने हाथों को उठा के ये कहा सुबह से शाम? ये मैंने बता, किसी ने नहीं कहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। सुबह से शाम हो गई, क्या मैंने हाथों को उठा के कहा मौला अल्लाह तू मेरे मौला को सलामत रख, ये दुआ की, अपने दिल से बोला कि मौला अल्लाह तू मेरे इमाम को सलामत रख? ये जरूरी नहीं दुआ की, हम अपनी सलामती की दुआ करते हैं, अपनी वाइफ के, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, मोमिन की करते हो, तो इमाम की सलामती के लिए नहीं करना। वो तो हमारा रूहानी बाप, वो जिंदा इमाम, प्लीज बोल रहा, प्लीज बोल रहा, हाथों को उठा के बोलो, अभी भी मौका है कि अल्लाह तो अपने आखिरी हुज्जत, अपनी रहमत, अपनी नेमत, अपनी बरकत, मेरे सैयद और सरदार, मेरा करम फरमा, मेरा इमाम, मेरे फर्जंदे मजलूम बीबी जहरा को सलामत रख। ये एक जुमला बोलो तो तुम्हारा रिश्ता इमाम से बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये दुनिया का दस्तूर है, जब तुम किसी की जिंदगी, आपको इमाम की सीरत पर चलना है, इमाम के उस पर पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचना है कि जहां सलमान पहुंचा। हम, मैं ये नहीं पता कि हम सलमान बन जाएंगे 1443 हिजरा में, मैं बोलो 1% तो आए, सलमान 10 हिस्सों में था, हम एक हिस्से में तो आए। ये जहन में मत रखो कि नहीं मैं तो हूं, ये गफलत से बाहर निकलो, गफलत से बाहर निकलो, ये इग्नोरेंस से बाहर, इग्नोरेंस से बाहर हो। ये मत बोलो कि नो, शारजा का सबसे ज्यादा पायस इंसान मैं। हमारे जहनों में क्या है कि यूएई का सबसे ज्यादा पायस इंसान मैं, बिकॉज आई प्रे 5 times, आई डिड माई हज, मैं ऑलवेज आई हेल्प पीपल। सब अपनी जगह पे सही है। इस्लाम सिर्फ इसका नाम नहीं है कि 5 वक्त नमाज, नमाज वाजिब है, वाजिब है। वो शिया नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, वो गलत नहीं समझ रहा। इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ रोजे का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ हज का नाम नहीं है, इस्लाम में कई चीजें, एक टोटल पैकेज है इस्लाम। मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ रहा और मैं इमाम की सलामती की दुआ ही नहीं करता, मैं इमाम से की मारिफत को हासिल करने ही नहीं चाहता। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, बिस्मिल्लाह मन माता वलम यारफ इमाम जमाने ही माता मीतत जाहिया, जो मर जाए और अपने इमाम की मारिफत को हासिल नहीं करे वो जहालत और कुफर की मौत मरेगा, अबू जहल की मौत मरेगा। ये मेरे जुमले, अल्लाह के रसूल के जुमले अपने इस फर्जन के लिए, तो यह हम पर लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर इमाम की सीरत पर चल रहा है, सीरत मासूमीन पे, तो वो उनकी लाइट में जन्नत तो आपको करना नहीं है, 200% करना है। तो अगर मैं ये सब मिसाल दे रहा, मैं सब कर रहा और इमाम के लिए बिल्कुल इग्नोरेंट हूं, जानना ही नहीं चाहता, बस मैं अपनी नमाज पढ़ ले रहा, रोजा रख रहा, ज्यारत में अलजल बोले रहा, काफी है। और मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं कुछ करूं। अल्लाह के रसूल क्या बोल रहा है, अगर मारिफत को, मारिफत क्या है, जितना तुम हासिल कर सकते, थिंक अबाउट इमाम, थिंक अबाउट इमाम,